ओके हेलो क्लास टू, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो बच्चा बाटी, कैसे हो आप? आज हम आपका चैप्टर नंबर 13, नेम क्या है चैप्टर का? द लॉन्गेस्ट स्टेप, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है? ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है। होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा। बाय चांस अगर आपने नहीं देखा, आपको कुछ भी डाउट है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो अभी तक सबको सारे चीजें पता चल गई कि हम कौन सा चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ चैप्टर के बारे में। द लॉन्गेस्ट स्टेप, लॉन्गेस्ट मीन्स पता ही आपको, लंबा, ठीक है? लॉन्गेस्ट, लॉन्ग मीन्स लंबा, इस मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है? लॉन्गेस्ट स्टेप, स्टेप मतलब जब भी आप चलते हो, है ना, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, ये क्या है, हम वन बाई वन स्टेप आगे बढ़ाते हैं ना अपने पैरों को, अपने लेग्स को, तो ये स्टेप ही है, पैर के थ्रू जो हम चलते हैं। आपसे कोई कह दे कि बच्चों जाओ फाइव स्टेप चल के आओ, तो कैसे करोगे? वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे चलते हुए जाओगे, तो वही आपका स्टेप है। अब आप लोग सोच रहे होगे, मैम ये स्टेप से लॉन्गेस्ट स्टेप मतलब इससे मैथ से क्या रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन है बच्चों। आप जो भी दिन भर में एक्टिविटी करते हो, कुछ भी कर लो, उन सब एक्टिविटी का इफेक्ट आपकी मैथ्स, मतलब एक तरह से मैथ्स यग में पड़ता ही है। जस्ट लाइक मैंने बोला बच्चों फाइव स्टेप चल लो, तो फाइव तो आता है ना मैथ में, फाइव काउंटिंग हो गई आपकी उसके साथ साथ, वन टू थ्री फोर फाइव, आया बात समझ में? तो हर एक एक्टिविटी का इफेक्ट पड़ता है हमारे मैथ्स मैजिक बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, हमने पार्ट ए में पीछे इससे पीछे का जो भी था हमने कवर अप कर लिया है, तो आप अगर नहीं देखे हो तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अभी हम पार्ट बी यहां से स्टार्ट करते हैं। मेक अ गेस, क्या है बच्चा? मेक अ गेस, आपको गेस करना है। आप लोग को ये ट्री दिख रही है, टू ट्रीज हैं, सेम है बट साइज में डिफरेंट है, सबको दिख रही है। ये ट्री किसकी है, किसकी ट्री है? ये है नारियल, नारियल का पेड़ सबने देखा है, कोकोनट सबने देखा है, ठीक है? तो ये है उसकी ट्री। ओके, अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सी दिस टू कोकोनट ट्री, आप देखो इन टू कोकोनट ट्री को, ट्री नंबर वन एंड ट्री नंबर टू, ओके बोथ ओके। अब इन बोथ ट्री को देखने के बाद, इफ द बिगर ट्री इज 6 मीटर हाई, ये जो बिगर, बिगर मींस सबसे बड़ा ट्री जो है वो कितना है बच्चों, 6 मीटर हाई है, मतलब 6 मीटर लंबा है, ओके। अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री, अब हमें ये बताना है कि आपको कि ये जो स्मॉलर ट्री है वो उससे कितना हाई है। तो अब तो हमें, पहले तो हमें ये पता है कि ये 6 मीटर का बड़ा वाला ट्री है कोकोनट का, ठीक है? लेकिन इससे ये कितना ट्री है तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ठीक है, अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये जो ट्री है जस्ट इसकी यहाँ पे हाफ में आ रहा है, एवरीवन सबको दिख रहा है, इसकी हाफ में जस्ट ये आ रहा है। तो मतलब ये अगर 6 है तो ये कितना होगा, 3 मीटर, कितना होगा बच्चों, 3 मीटर। समझ में आई सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो वेरी गुड, अभी आप लोग इसको अच्छे से कर लो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक योर गैस, अब आपको गैस करना है। गैस क्या करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है मैथ्स की बुक में, मैथ मैजिक में आपको गेस करने को मिल रहा है ना, तो कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है। यहाँ पे है गेस द लेंथ ऑफ हाई ऑफ द थिंग, गेस द लेंथ और हाई ऑफ द थिंग्स, सो बिलो फाइंड द लेंथ, चेक योर आंसर, ओके। आपको लेंथ पता करना है, लेंथ किसकी पता करनी है, कुछ यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, क्या दिए हैं बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। हेलो आयुष, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन दिए, अब हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द थिंग्स, माय गेस, माय रिजल्ट, ये तीन पार्ट्स में बने हुए हैं। अब आप अगर यहाँ फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है,
पहला ग्लास है, बकेट है, योर हैंड, ठीक है, हैंड स्पैम जो होते हैं ना उस हैंड, ये आपका टेबल है, नोज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें कुछ चीज़ों को गैस करना है और फिर एक एक एग्जैक्ट रिजल्ट बताना है। ओके, गैस क्या करना है, अगर ये ग्लास है, क्या है बच्चों, ग्लास, ठीक है, तो ग्लास को अगर हम किससे, फिंगर से, मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया ग्लास, ध्यान से देखना आप लोग, ये क्या है आपका ग्लास, ठीक है, ये आपका ग्लास है। अगर हम इस ग्लास को फिंगर, ऑप्शन भी दिया है, अगर हम फिंगर से नापते हैं तो कितने फिंगर, मतलब कितने पर कितना होगा, कितनी बार में आएगा, तो ये हमारा वन फिंगर है, अंडरस्टैंड, कितने फिंगर है बच्चों, वन फिंगर है। तो अगर ध्यान से हम यहाँ पे रखते हैं तो देखो फोर फिंगर, फोर फिंगर में हो जाता है, आपको यहाँ पे गेस करना है, ठीक है। चलो हमने गेस करके लिख दिया यहाँ पे फोर फिंगर, क्योंकि मैंने पिक्चर बनाया और पिक्चर के थ्रू मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करके यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, अंडरस्टैंड। लेकिन आपको क्या बताना है, एग्जैक्ट रिजल्ट बताना है। तो आई नो सभी के घर में ग्लास होंगे होंगे, तो एक काम करो बच्चों, आप जाओ ग्लास को और फिंगर मेजरमेंट करो, किससे करो, फिंगर, फिंगर से एक बार अगर मेजरमेंट करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, या तो आप सिक्स फिंगर का यूज होगा, सिक्स टू सेवन में ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट है और हमने गेस कितना किया था, फोर। तो इस तरीके से हम बाकी सारी चीजों का मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हैंड स्पैन, क्या है हैंड स्पैन, हैंड स्पैन मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे करते हैं, जस्ट लाइक ऐसे करना है, तो वो क्या है हमारा हैंड स्पैन है। ओके, तो अगर ये है क्या आपकी, ये क्या है बच्चों, ये है आपका बकेट। अब बकेट को अगर हम हैंड स्पैन के थ्रू क्या करते हैं, नापते हैं, तो कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, सभी के घर में बकेट होता है, होता है ना, तो ये है आपका क्या, बकेट। ओके, ये है बकेट, ठीक है। अगर इस बकेट को हम हैंड स्पैन के थ्रू नापते हैं, जस्ट लाइक ऐसे, तो इसमें तो हमें वन दिख रहा है, वन एंड हाफ या वन, या लिख दो यहाँ पे टू, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कितना होता है, टू हैंड स्पैन होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बकेट तो हो गया, अब आया योर हैंड, आप हैंड है, अपने हैंड को किससे आपको मेजरमेंट करना है, मैच स्टिक्स, माचिस, माचिस की जो तिल्ली होती है, मैच स्टिक्स, उससे आपको मेजरमेंट करना है। तो आप लोग सोचोगे मैम मैच स्टिक से कैसे मेजरमेंट होता है, देखो बच्चों मेजरमेंट तो आप किसी भी चीज, जस्ट लाइक आप लोग को स्केल मिल गया, लकड़ी मिल गई, हैंड स्पैन हो गया, फिंगर से हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। क्योंकि पहले जब देखा जाए, आज से बहुत साल पहले, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो लोग कैसे काम करते थे, इन्हीं के थ्रू करते थे, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी हो गई, रस्सी हो गया, तो इन्हीं के थ्रू वो अपना मेजरमेंट करके कोई भी काम करते थे। तो वही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स उसके दिए गए हैं। अब है योर हैंड, अब योर हैंड के थ्रू अगर मैच स्टिक्स है नापे, तो हमारा होगा ये लगभग सिक्स, ठीक है, ये अगर ये हैंड है, मान लो यहाँ से कर रहे हैं मैच स्टिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो ये सिक्स, तो यहाँ सिक्स है, यहाँ भी ऑलमोस्ट सिक्स या एट होगा। नेक्स्ट है आगे टीचर टेबल, टेक्स्ट बुक, टीचर टेबल है, उसके ऊपर टेक्स्ट बुक रखा है, टेक्स्ट बुक से आपको नापना है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं होती कि हाँ अगर मुझे स्केल मिला तो स्केल के थ्रू ही हम मेजरमेंट करेंगे, नो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से जिसमें से मैंने आपको बताया हैंड स्पैन, फिंगर, रस्सी हो गई जिसे हम रोप कहते हैं, अब जो एक इधर भी ये भी देख लो, बुक, बुक के थ्रू हमें ये टेबल का मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो आप कहोगे मैम बुक के थ्रू कौन करता है, बिल्कुल करते हैं, जब हमारे सामने ये, हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, तो पहले लोग कैसे करते थे, इन्हीं सारी चीज़ों के हेल्प के थ्रू ना कोई चीज़ का मेजरमेंट लेते थे, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाता था बट ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ जाती थी, ठीक है।
तो चलिए ये है आपका बुक, ठीक है। वन बुक का अगर इस टेबल से मेजरमेंट करें तो कितना होगा, तो ऑलमोस्ट थ्री मैथ्स बुक टेक्स्ट बुक के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी आप थ्री या फोर लिख सकते हो, फोर लिख दो। योर नोज, अगर आप नोज से फिंगर से करो, ये है आपका फिंगर, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे आ रहा है आपका फोर फिंगर। कितने फिंगर आ रहे हैं बच्चों, ऐसे अगर रखते हैं तो कितने फिंगर आ रहे हैं, फोर फिंगर। डन, समझ में आया आप लोगों को, ऐसे आ रहे हैं फोर फिंगर। तो फोर फिंगर, तो यहाँ पे भी आप लिख दोगे फोर फिंगर। लेकिन जब आप एग्जैक्ट, चलो मैं आपके सामने एक एक्टिविटी कर ही देती हूँ, रेडी हो आप लोग? चलो ये है मेरा फिंगर है। अब इस फिंगर पे अगर मैं ऐसे नोज पे अपने फिंगर्स को रखूँ, आप लोग भी मेरे साथ करो, ऐसे मैं रखती हूँ, ये एग्जैक्ट आ रहा है, क्या बात है, हमने गेस तो सही किया ना। तो चलो अब यहाँ पे भी लिख दो आप फोर फिंगर, अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल सभी के पास होता है, सब लोग अपने स्कूल में लेके आप लोग जाते हो, है ना। अगर वाटर बॉटल को हम फिंगर से मेजरमेंट करें, फिंगर तो पता ही है, ये हमारी फिंगर है, फिंगर के थ्रू अगर हम मेजरमेंट करें तो कैसे होगा। तो अगर ये वाटर बॉटल है, चलो एक मैं पिक्चर भी बना के आपको दिखा देती हूँ उसकी। ठीक है, ये आपका हो गया वाटर बॉटल, एग्जैक्ट मैंने वही नहीं बताया, बट हाँ ऑलमोस्ट पिक्चर मैं थोड़ा बहुत बना दिया आप लोगों के लिए। ये आपका ये हो गया फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, अगेन वन टू थ्री एंड फोर, फोर फोर मतलब टोटल कितने फिंगर हुए, एट फिंगर हुए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एट फिंगर हो गए, एग्जैक्ट कितना, एट टू टेन होते ही हैं। नेक्स्ट है योर हेयर, हेयर को आपको हैंड स्पैन से करना है, किससे करना है, हैंड स्पैन, हैंड स्पैन के थ्रू करोगे। तो सबकी हेयर तो अलग अलग तरीके से, मतलब सबका ग्रोथ तो अलग होता है, हेयर का उसकी लेंथ अलग होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंड स्पैन करके हाथों के थ्रू ऐसे नाप के आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा वन हैंड स्पैन, लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट टू हैंड स्पैन या थ्री भी हो, जिसका जिस हिसाब से हो यहाँ अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेगा। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कैट्स फूड और रैट फूड, ठीक है, ये कैट का फूड है और किसका है बच्चों, रैट का फूड है। ये एक क्या है, हट है, क्या है, हट। हट सबको पता है, झोपड़ी जिसे हम हट कहते हैं। यहाँ पे एक कैट है और अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखो तो नीचे रैट है और उसके सामने मिल्क है, मिल्क है। अब हमें आता है एक्चुअल में क्या, क्वेश्चन, क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज योर फिंगर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क, फिंगर। ओके, आपको क्या डिस्टेंस कवर करनी है, रैट और मिल्क के बीच में, किससे, फिंगर से मेजरमेंट करना है। देखो फिर से आ गया फिंगर मेजरमेंट। तो सबसे पहले ये रही आपकी रैट और ये रहा बच्चा पार्टी आपका मिल्क। ओके, अब हम करते हैं फिंगर से मेजरमेंट। सबसे पहले अगर ये रैट को मिल्क तक जाना है तो स्टार्टिंग वो अपना स्टेप कहां से लेगा, यहां से, वन टू थ्री फोर, अगेन वन टू, ठीक है। ये फिंगर है हमारे, क्या है, फिंगर है। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कैसे चलेगा वो, वन टू थ्री फोर, ये हमारे फोर फिंगर्स हो गए और टू, ये मतलब उसको सिक्स फिंगर के डिफरेंस है, सिक्स फिंगर का डिस्टेंस है उसके और मिल्क के बीच में। तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे, सिक्स फिंगर, कितना लिखोगे, सिक्स फिंगर, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट। ओके, फिंगर से फिर आ गया हमारा, ये जो कैट है जो आप इस पिक्चर में ऊपर में देख रहे हो, ये रहा कैट आपका, ये कितना दूर है किससे, रैट से, यहां से यहां तक। तो अभी हमें एक और ऑप्शन मिला, ऑप्शन ये मिला कि हमने मेजरमेंट जो करना है फिर से फिंगर से करना है। तो फिंगर के थ्रू करेंगे
तो मान लो बच्चों यहाँ से यहाँ तक हम करते हैं तो ये हमारा वन है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक और भी छोटी दिखेगी, है ना। तो अगर आप फिंगर से करोगे तो 1 2 3 4, ओके। नाउ 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, तो ऑलमोस्ट कितने 4 4 2 8 एंड 4 12, 12 फिंगर का डिस्टेंस है। कितने फिंगर का बच्चों? 12 फिंगर का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 12 फिंगर्स। कितना लिखोगे आप लोग? 12 फिंगर्स। डन। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ फार इज द कैट, हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब कैट कितनी दूर है मिल्क से? हमने रैट का तो कर लिया, कैट कितनी दूर थी रैट से, अब कैट कितनी दूर है मिल्क से, इसको हम यहाँ कवर अप करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये रही आपकी कैट और ये रहा आपका मिल्क। पहले ये भी ध्यान दो कि आपको करना किससे है, इसको फिर से हमें फिंगर से ही करना है। चलिए किया जाए। लेकिन अगर आप देखो इन दोनों पिक्चर को तो दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही जगह हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा। अगर ये 12 है तो ये 13 होगा, 13 आप लिख सकते हो एक अपना अंदाजा लगा के। तो आप यहाँ पे लिख दो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क। ओके, अब सबसे पहले यहाँ दो ऑप्शन है, एक रैट है और एक मिल्क है। अगर कैट है, ये जो कैट जो हमारी जो बिल्ली है, ये बिल्ली को अगर पहुंचना होगा तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगी? रैट के पास पहुंचेगी या मिल्क के पास पहुंचेगी दौड़ते हुए? अगर आप पिक्चर में देखो तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन मैंने आंसर दिया है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों डिफरेंस का फर्क तो पड़ेगा ही। तो वो सबसे पहले पहुंचेगी कहाँ पे? रैट पे। तो रैट के पास जब पहुंचेगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे रैट, रैट को आप टिक कर दो। नेक्स्ट है, कैन द रैट सेव इटसेल्फ, हाउ? टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर पे एक स्टोरी बनानी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग इज द रैट टेल, फिंगर से काउंट करना है। अब हम चलते हैं मेन पिक्चर पे। ये है रैट की टेल, टेल मीन्स पूंछ। अब कितनी लॉन्ग है कैसे पता चलेगा? इससे भी हम किसे काउंट करेंगे? फिंगर काउंटिंग। चलिए किया जाए। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ओके। 4 4 8 and 4 12 16 sorry 12 के बाद 13 14, मतलब 14 फिंगर का डिफरेंस है। तो आप यहां लिख दो 1 4 14 फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्गर विस्कर, द रैट और द कैट? कौन लॉन्गर है? आप अपने ऑप्शन बता दो आप। दिस इज राइट, ओके। नेक्स्ट, मेजर एंड ड्रॉ, मेजर करना है और ड्रॉ करना है। क्वेश्चन क्या है चलिए पढ़ा जाए। ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन, ओके। आपको एक लीफ ड्रॉ करना है, कहाँ पे? ये जो आपकी चार्ट बनी है वो भी 2 फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन। ये जो आपकी स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, इससे 2 फिंगर दूर, 2 फिंगर दूर मतलब यहाँ से आप अपनी फिंगर से मेजर करो, 2 यहाँ आता है, यहाँ से आप एक लीफ को ड्रॉ करो, जस्ट लाइक दिस, ओके। हो गया दूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ अ बनानास 5 मैस्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी, ओके। बनाना सबको पसंद है, पसंद है। अब यहाँ पे आ गई बनाना, मंकी को भी बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, पर प्रॉब्लम क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ पे मंकी से बनाना थोड़ा दूर है। कितना दूर है मैं बताती हूँ। ड्रॉ अ बनाना 5 मैच स्टिक्स, कितना? 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। चलो
अब यहाँ से फाइव, आप लोग मैच स्टिक्स जानते होंगे, माचिस की जो तिल्ली होती है, सभी लोग को पता है। चलो यहाँ से करते हैं, दिस वन इज मैच स्टिक्स, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। हमने फाइव मैच स्टिक्स एक के बाद एक सीक्वेंस से रख दी और यहाँ पे हमने बना दिया बनाना अंकल को। आगे बनाना अंकल, आई नो आप, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ओके चलो ये रहा आपका बनाना, ठीक है। हम पहुंचे कहाँ पे, बनाना के पास, ठीक है। तो ये रहा फाइव मैच स्टिक्स दूर, इनके बीच का डिस्टेंस है फाइव मैच स्टिक्स। नेक्स्ट है ड्रॉ अ काइट सेवन फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। एक आपको काइट ड्रॉ करनी है, क्या ड्रॉ करनी है, काइट को, जो कि कितना दूर हो, सेवन फिंगर डिस्टेंस हो स्टोन के। तो चलिए किया जाए, पहले स्टोन देखते हैं कहाँ है, ये है स्टोन। अब हम फिंगर से इसको नापते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर हो गया, फोर के बाद यहाँ से वन टू थ्री, मतलब हम यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए बनाएं, आप लोग अपनी बुक में भी मेजर करके हाथ से कर सकते हैं। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा आपका यहाँ, सॉरी यहाँ पे बनाना था, हमने यहाँ पे काइट बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बन गया काइट, सेवन फिंगर के बीच का डिस्टेंस है इसके, ठीक है। अब चलते हैं, ड्रॉ अ क्लाउड थ्री मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। आपको क्लाउड, क्लाउड मीन्स जो बादल होते हैं, उन्हें बनाना है कहाँ पे, थ्री मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। काइट कहाँ है आपका, ये थ्री मैच स्टिक्स, तो यहाँ से हम थ्री मैच स्टिक्स बनाते हैं, वन टू एंड थ्री, और यहाँ पे हम बना देते हैं क्लाउड, दिस इज क्लाउड, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, बादल, ओके। नेक्स्ट है ड्रॉ अ बर्ड फोर फिंगर अवे फ्रॉम द बनाना। अब आपको बनाना के फोर फिंगर डिस्टेंस पे क्या बनाना है, बर्ड, ओके चलिए बर्ड बना लेते हैं, वन दिस वन फोर, वन टू थ्री फोर, आप यहाँ पे बना लो इस तरीके से, ठीक है। अभी तो यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।